मोहसन नकवी ने डंडा उठा लिया, महंगाई के जिन को कैदी बना लिया। पंजाब में आटा, घी, चीनी, चावल सस्ते, दालों की कीमत में 20 से 30 रुपए किलो कमी। चीनी 145 रुपए किलो पर आ चुकी। घी के दाम भी 15 रुपए किलो गिरेंगे। फ्लोर मिल्स आटे के थैले पर रिलीफ देंगे। बस के किरायों में 15% तक रियायत। गुड्स ट्रांसपोर्ट वाले भी किरायों में 10% कमी पर रजामंद। एक के बाद एक अच्छी खबर। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी 38 रुपए किलो सस्ता। खुरदनी ऑयल के दाम भी 36 रुपए लीटर तक गिर गए। नई कीमतों का इतलाक फौरी तौर पर हो गया। सुना है मीठा भी जल्द सस्ता होने वाला है। हुकूमती इकदाम के बाद आवाम के चेहरों की लाली वापस आने लगी। तारीखी इमारतों की बहाली और तजीनों आराइश का फैसला। वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी का दायराकार पूरे पंजाब में फैलाने की मंजूरी। उज़्बेकिस्तान के शहर बुखारा और लाहौर को जुड़वां शहर करार दिया जाएगा। निगरान वज़ीर-ए-आला मोहसन नकवी की ज़ेरे सदारत इजलास। टूडा और पंजाब एग्रीकल्चर अथॉरिटी में मुआहदे की मंजूरी। दोनों मिलकर सब्जी और फल मंडियां कायम करेंगे। पंजाब पुलिस रूल्स 2016 में तरमीम भी मंजूर। वज़ीर-ए-आला मोहसन नकवी का लाहौर में सिफात खानों के क्याम का मिशन। अमरीका, चीन के बाद तुर्किया ने भी बातचीत शुरू कर दी। कौंसल खाने के अमले का सीबीडी साइट का दौरा। सीबीडी को सवालनामा इरसाल कर दिया। अमरीकी एम्बेसी 100 कनाल अराजी फाइनल कर चुकी। चाइनीज कौंसल खाना 40 कनाल अराजी मुफ्त लेने का ख्वाहां। कितने पड़े हुए हैं आपके पास? तो पड़े हुए तो फिर 5 ओवरनाइट शायद, इसलिए फिर डॉक्टर साहब ने इसलिए लिखा होगा कि जो पेशेंट वाकई प्रॉपर जो थोड़ा बहुत अफोर्ड कर सकता है उससे मंगवा रही है, इसलिए नहीं आपके पास ये तो नहीं हो सकता पड़े और फिर भी बाजार से मंगवाए। 5 एक्चुअली खत्म हो जाएंगे तो बाकी सर तो वो भी तो ला रहे हैं ना। वो जो अभी आपने अभी स्वास्थ्य की हालत देखी है, अभी उससे भी ज्यादा गरीब आदमी आपने देखना है। वज़ीर-ए-आला के आवाम की सेहत के हवाले से एहसन इकदामात। सुबह सवेरे गवर्नमेंट टीचिंग हस्पताल शाहदरा का दौरा। राइजिक इंजेक्शन बाहर से खरीदने की शिकायत पर बरहमी का इजहार। सीनियर मेडिकल ऑफिसर की सरजनिश। मरीजों के पैसे फौरी वापस करने का हुक्म। मोहसन नकवी मुख्तलिफ वार्ड्स में भी गए मरीजों की आयादत। नए नर्सिंग काउंटर, वार्ड, डॉक्टर रूम्स और वॉशरूम्स का भी मुआयना किया। वज़ीर-ए-आला म्यू हस्पताल भी गए जेर तामीर। एमरजेंसी के तरक्याती कामों का जायजा लिया। वन वे की खिलाफ वर्जी करने वालों के लिए शिकंजा तैयार। वन वे और वन मिलिंग की रोकथाम के लिए आज से नाकाबंदी। शहर के 130 मुकामात पर 2 शिफ्टों में नाकाबंदी की जाएगी। खिलाफ वर्जी पर गाड़ी और मोटरसाइकिल को थाने में बंद कर दिया जाएगा। वन वे की खिलाफ वर्जी, 1526 मोटरसाइकिलें और गाड़ियां बंद। PIA का माली बहरान बढ़ गया। फ्यूल की दस्तियाबी में मुश्किलात। PSO के साथ मामला तय पाने के बावजूद फ्यूल की फ्राहमी मुअतली का शिकार। PIA की 16 से ज़ायद मुल्की और बैन अल-अक़वामी परवाजें घंटों ताखीर का शिकार। सरकारी मुलाजमीन का प्रेस क्लब के बाहर मुतालबात के लिए एहतजाज। मुलाजमीन ने मुतालबात की मंजूरी के लिए प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे। लीव इनकैशमेंट ग्रेजुटी और पेंशन का पुराना कानून बहाल किया जाए, मुलाजमीन का मुतालिबा। प्रेम यूनियन CBA का लोको शेड में एहतजाज। मुलाजमीन की तनख्वाह दो, काम लो की शदीद नारेबाजी। बोले तनख्वाहें अभी तक नहीं मिली, महंगाई में कैसे गुजारा करें। बिजली का बिल, बच्चों की फीसें कैसे अदा करें, मुजाहरीन की दुहाई। मेघे वाला मोड़ का सीवरेज सिस्टम जवाब दे गया। गंदा पानी गलियों में जमा होने से शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात। बादामी बाग सब्जी मंडी में भी कचरे के ढेर। सफाई का निज़ाम ना होने से आरती और सब्जी फरोश परेशान। बारिश के बाद जौहर टाउन की गलियां भी जौहर टाउन बन चुकी। फैसल टाउन में तजावजात के खिलाफ कार्रवाई। गैर कानूनी तौर पर बने शेड, खड़े और तंदूर मसमार। सरकारी अमले ने 50 रेहड़ियां जब्त कर ली। 5 दुकानदारों के खिलाफ FIR दर्ज। उधर हाजी कैंप लंडा बाजार में तजावजात की भरमार। जगह जगह रेहड़ियां लगी हैं, ट्रैफिक तो दूर, पैदल चलना भी मुहाल है। लेस्को ने बिजली चोरों की लाइफलाइन काट दी। जेल रोड पर लाइफलाइन लेबोरेटरी से बिजली चोरी पकड़ी गई। SDO उस्मान ने मुलजिम अरसलान के खिलाफ पर्चा कटवा दिया। मुलजिम हवालात में बंद।
जेब तराश हाथों की सफाई दिखा गए। लाहौर में 9 माह के दौरान 19,000 के करीब अफराद की जेबें कट गईं। सिटी डिवीजन जेब तराशी की वारदातों में 7,445 वारदातों के साथ नंबर वन, इकबाल टाउन डिवीजन दूसरे और सिविल लाइंस तीसरे नंबर पर रही। इलेक्शन एक्ट में ताहियात नाअहली के कानून को ख़त्म करने के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन का वफाकी हुकूमत। इलेक्शन कमीशन समेत दिगर फ्रीकन को 23 अक्टूबर के लिए नोटिस। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को मुआवनत के लिए तलब कर लिया। आशियाना इकबाल हाउसिंग रेफरेंस एहतसाब। अदालत में शहबाज शरीफ, अहद चीमा और दीगर की बरियत की दरख्वास्तें। गैर हाजिरी पर शरीका मुलजिम शाहिद और सादिक के वारंट गिरफ्तारी। अहद चीमा की हाजिरी माफी की दरख्वास्त मंजूर। समाअत 28 अक्टूबर तक मुलतवी। मुलजिम खालिद की जमानत में 25 अक्टूबर तक पहुंची। एफिडेंट केस हनीफ अब्बासी की सजा के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज। जस्टिस अर्शद जावेद धुराल और जस्टिस आलिया नीलम ने समाअत की। लीगी रहनुमा अदालत पेश हुए। वकील हफीजुर रहमान, आजम नजीर तार और एहसन भून भी मौजूद थे। हुक्म अदूली करने पर अदालत का एसपी इन्वेस्टिगेशन डिफेंसी को शोकाज। 21 अक्टूबर को शोकाज का जवाब जमा करवाने का हुक्म। एसएचओ इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के तनख्वाह बंद करने की भी हिदायत। अदालत ने पुलिस अफसरान को तलब कर रखा था। सर्विसेज अस्पताल के पार्किंग का स्कैंडल। नैब ने ठेकेदार से 1 करोड़ 15 लाख वसूल कर लिया। डीजी नैब अमजद मजीद औलक ने चेक एमएस सर्विसेज के हवाले किया। पार्किंग कंपनी, मेडिकल स्टोर और कैंटीन की मद में बेजाबतियां हुई थी। कमिश्नर लाहौर की जेरे सदारत इजलास। टीपा को रिसोर्स जनरेशन के लिए नए अहदाफ दे दिए। पार्किंग कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। मोहम्मद अली रंधावा की जेरे सदारत। 28 अक्टूबर को शुरू होने वाले फेस्टिवल पर भी इजलास। जेलानी पार्क, एक्सपो, अलहमरा, हजूरी बाग में इंतजामात पर बातचीत की गई। सदर नून लीग शहबाज शरीफ से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। साबिक एमएनए शाइस्ता परवेज मलिक, ख्वाजा इमरान नज़ीर, बाऊ अख्तर अली शामिल। मियां नवाज शरीफ की वापसी और इस्तकबाल की तैयारियों पर बातचीत। साबिक वज़ीर आला हमजा शहबाज भी मौजूद थे। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज का FPCCI का दौरा। सदर इरफान इकबाल शेख समेत सनअतकारों और ताजर बरादरी से मुलाकात। मियां नवाज शरीफ की वापसी और मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मियां अंजुम नसार, ख्वाजा शाहसेब अकरम, मोहम्मद अली मियां, रिफत मलिक भी मौजूद थे। मीनार पाकिस्तान पर ग्रैंड जलसे की तैयारियां। नून लीग पंजाब का पंडाल पर फोकस। राना सनावला, ख्वाजा साद रफी का ग्राउंड का दौरा। मतवालों के आने और जाने के रास्तों का जायजा लिया। DIG ऑपरेशन सैयद अली नासिरी और CTO लाहौर मुस्तनसर फेरोज ने भी इंतजाम देखे। 18 अक्टूबर का जलसा, जियालों ने भी तैयारियां तेज कर दी। सदर पीपल्स पार्टी लाहौर असलम गिल का टाउनशिप बाजार का दौरा। सानिहा कारसाज के जलसे और तैयारियों का बताया। चौधरी रियाज, आमिर नसीर भट, राणा अशर नसार भी हमरा थे। इंतजामिया ने ताहाल पीपल्स पार्टी को जलसे की इजाजत नहीं दी।